राम राम, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। तो अभी थोड़ी देर बाद बताती हूँ आपको कि मैं कहाँ जा रही हूँ। मैं तैयार, आधी तैयार हुई हूँ, आधी मुझे होना है अभी। मतलब कुछ नहीं करना, मैं चाय के साथ बिस्किट ले रही हूँ और मैं तैयार हो गई हूँ, समझो। बस ये सूट डाला है मैंने, सर्दी हो गया ना, दो दो तीन सूट है मेरे पास, सिलवाने को बहुत है। ऐसा नहीं है कि मेरे पास है नहीं, बहुत है सिलवाने को, पर बस सिलवाती नहीं मैं जब तक पहले वाले ना फट जाए। तो अभी मुझे और कुछ नहीं खाना है, मुझे बस बिस्किट लेने चाय के साथ दो चार, और मुझे निकलना है फिर 9 बजे यहाँ से, और टाइम काफ़ी हो चुका है। तो मुझे मेन रोड तक बेटा छोड़ के आएगा, वहाँ से फिर मैं बस पकड़ के निकल जाऊँगी, और मैं जा रही हूँ शिमला के लिए, ठीक है? तो आपको बताती हूँ आगे कि मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं क्यों जा रही हूँ, मुझे तो बता दिया कहाँ जा रही हूँ। मैं फटाफट से ना चाय बिस्कुट खा लेती हूँ, आज इनको पड़ा है सारा काम। अब मैं हो गई हूँ पूरी तरह से तैयार, ये चश्मा ना अभी उतार देती हूँ, वो दूसरा नहीं मैं लेके गई क्योंकि वो हो जाता है अभी ब्लैक बिल्कुल, और स्टूडियो में फिर फुकरापंथी लगेगी। अच्छा तो मैं जा रही हूँ, मैं बता देती हूँ अभी आपको। तो मैं जा रही हूँ, और इधर पहले मेरे जोजो को देखिए, अब परेशान है कि मम्मा चल पड़ी। और आज मैंने जैकेट के साथ ना, मैं वो दुपट्टा नहीं ले सकती क्योंकि पता क्या है, वो ना ये बिल्कुल ही मतलब ऐसा है ना इसका कपड़ा, तो उसके ऊपर टिकता नहीं, तो ऐसे सिर बांधने के लिए कुछ तो लेना पड़ता है। तो मैं अपना ये धाठू ले रही हूँ, और जो मेरे को अच्छा लगा कि मेरे को ये लेना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल ही उसके बिना भी ना, और अगर जैकेट ना लेके जाऊँ तो वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है। उन्होंने मुझे स्पेशली बोला हुआ है कि यहाँ ठंड बहुत है, और कुछ मतलब गर्म कपड़े ज़्यादा पहन के आना क्योंकि यहाँ पर बहुत ठंड है। तो मैं जा रही हूँ दूरदर्शन के स्टूडियो में, डीडी हिमाचल, और ये पूरे नेशनल लेवल का जो है ये पूरे उसमें जितने टीवी हैं उनमें चलता है। तो आप लोग ठीक 2 बजे मेरा लाइव जो है देख सकते हैं टीवी पे, टीवी अपना ऑन करिएगा और दूरदर्शन लगाइएगा, तो डीडी हिमाचल जो एक चैनल है उस पर ज़रूर आपको देखने को हम मिलेंगे दिन के 2 बजे। तो ज़रूर ज़रूर आपने जो है देखना है आज 28 फरवरी 2024 को, ठीक है? और इनका चैनल भी है, फ़ोन पे भी शायद लाइव होता होगा, मुझे इसके बारे में इतनी नॉलेज नहीं है, ऊपर जाके ही पता लगेगा, लेकिन फ़ोन पे भी है इनका डीडी हिमाचल करके। तो बहुत खुशी की बात है, माता रानी की कृपा है कि मुझे वहाँ पे जाने का मौका मिल रहा है, बहुत बड़ी बात है, और ये अभी सब लोगों के लिए नहीं मिलता। आज मैंने हेयर स्टाइल थोड़ा सा चेंज करके वो किया हुआ है, तो ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। और बस ये है कि अभी मैं यहाँ से निकलूँगी 9 बजे, मुझे उन्होंने 1 बजे तक बुलाया है, और 1 बजे 2 बजे से प्रोग्राम शुरू है, 20-25 मिनट का प्रोग्राम होगा। जो भी क्वेश्चंस पूछेंगे वो मुझे वो उस तरह से उसके आंसर करने, मेरी लाइफ के बारे में पूछेंगे जो भी है, मैं प्रिपेयर हूँ, क्योंकि पता है क्या होता है वो करने की ज़रूरत उनको होती है सीखने की, रिहर्सल मैंने कुछ भी नहीं करा है इस तरह से। और बस ये है कि एक मिनट बस जा रही है, तो मैंने इस तरह की कुछ नहीं, कोई रिहर्सल नहीं कर रखी है, बस माता रानी का आशीर्वाद है और माता रानी की कृपा है कि मैं जो बोल पाऊँगी, क्योंकि जो भी पूछेंगे, क्या पूछेंगे, मेरे लाइफ से रिलेटेड पूछेंगे, कैसे आपने अचीव किया, वो सारे ऐसे मुझे मतलब ऐसा लगता है, क्योंकि मैंने बहुत सारे मेरे को परसों ही एक्चुअली कॉल आया था कि ऐसे ऐसे आपको यहाँ पर आने का मौका मिल रहा है, आपको यहाँ पे बुलाया जाएगा, बुलाया जाता है, फिर उन्होंने डेट भी दे दी थी कि परसों की है। तो फिर मैंने कुछ भी नहीं ये सोचा, मैंने उनका थोड़ा सा सर्च किया कि किस तरह से क्या रहता है, उनके कैसे जाते हैं मेहमान, उनके जो गेस्ट होते हैं, तो बस उनके बारे में, उनकी जीवनी के बारे में पूछते हैं, सक्सेस के बारे में पूछते हैं, तो खैर हम तो सक्सेस हैं या नहीं, लेकिन हाँ पहले से काफ़ी ज़्यादा बेटर जो है हमारी लाइफ है, और उसके लिए जो है जय माता रानी धूप कर रहे हैं अंदर ने पापा, जय हो मैया की। तो माता रानी का आशीर्वाद ले लेती हूँ, क्योंकि महामाई का आशीर्वाद जो है, मैंने बाद में जाना था पर अभी ऑनलाइन ही। माता रानी की कृपा करना, मुझे बोलने में थोड़ा सा परेशानी आ जाए। महाराज कलाशित जी ब्रह्मा विष्णु महेश्वर महाराज शिव महाराज तारा बाला का आशीर्वाद ले लिया है, और चले मुझे नहीं छोड़ाएगा मेन रोड तक, वहां से मैंने बताया था आपको कि मुझे आगे बस लेनी है, और तो
तो मैं आप लोगों को बता रही थी कि डर उनको ज़्यादातर ये रहता है कि हाँ है थोड़ी थोड़ी नर्वस हूँ मैं, क्योंकि फ़ोन पे बोलना, यहाँ पे देखो मैं अकेली बोल रही हूँ, खुद के क्वेश्चन होते हैं, खुद के आंसर होते हैं, लेकिन वहाँ पे एंकर बैठे होंगे सामने तो, और लाइव वो प्रोग्राम चला होगा, और थोड़ा सा रहता है ना कि थोड़ा सा है, तो आप मुझे कमेंट करना कि थोड़ा सा आप भी अपना सजेशन देना कि किस तरह क्या बोलना है, मुझे नहीं पता क्या पूछेंगे क्या नहीं, लेकिन मैं तैयार हूँ, क्योंकि मैं अंदर से नहीं डरती, थोड़ा सा होता है मेरे को कि हाँ सही से बोल पाऊँ, और यहाँ पे बोलने की बात कुछ अलग होती है और वहाँ पे कुछ और होती है, कम शब्दों में अपना ज़्यादा बात करनी है रखनी है, तो चलो और आपको सुबह सुबह दिखा देती हूँ अपना लहसुन और अपनी ये क्यारियाँ, अब इनमें बहुत कुछ लगेगा, बस मेरे प्रोग्राम ही नहीं ख़त्म हो रहे हैं, तो एक मिनट है, चलो निकलते हैं, कपड़े अपने वही है सिंपल से, हाँ आज गेट देने चलाओ दे दूंगी ना, तो हला तो मैं गेट खोल लेती हूँ, अरे आप पूछेंगे कि और नहीं जा रहा है कोई, नहीं तो नहीं फिलहाल तो कोई नहीं जा रहा है, बस हनी मेरे को छोड़ने जा रहा है, और शिमला में मेरे को उनकी बातचीत हो गई थी मेरे साथ, तो शिमला में मेरे को मिल जाएंगी मेरी एक दीदी जो कि शिमला से ही है और मेरी सब्सक्राइबर भी हैं, और वो मुझे मिल जाएंगी तो मेरे मुझे साथ मिल जाएगा, बाय बाय बाय, जय माता दी, जय देवता धारवाड़ा, जय मधुर देवता, जय बाड़ी अरबाड़ा देवा, सभी देवताओं का नमस्कार करती हूँ, बस जो भी हो अच्छे से हो जाए प्रोग्राम, और ये वाला पर्स लेके जा रही हूँ मैं, क्योंकि ये साइड बैग रहता है ना, इसमें फिर ज़्यादा छोटा सा है ये, इसमें ज़्यादा झंझट नहीं होता कि ये करने का, बड़े वाला पर्स रखना कहाँ उठाना, तो ये फिर इसमें ही है रखा हुआ है, तो चलो निकलते हैं, और मेरे को बस मिलेगी वहाँ से कितने बजे मिलेगी देखते हैं, कितने बजे मिलेगी, 9 बजे चल रही हूँ मैं यहाँ से, 9:30 बजे 10 बजे तक मेरे को मिल जाती है, तब भी मैं 11 बजे तक आगे तब भी मैं 11 बजे तक शिमला पहुंच जाऊंगी, तो चलो चलिए चलते हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ये वीडियो मैं अभी जल्दी डाल दूंगी आज, वैसे मैं 1 बजे डालती हूँ हिमाचली ऑल राउंडर पे, और शॉर्ट्स भी डालूंगी मैं अपने दूसरे चैनल पे, तो थोड़ा सा है ही थोड़ा सा नर्वस बन रहे, क्या बोलते हैं नहीं कैसे बोलना स्टूडियो में, सिखा दे मेरे को तो सामने का आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा सा व्यू है, तो सेल्फी स्टिक भी अपनी साथ में लेके जा रही हूँ, पर बेचारी ये भी ऐसी है टूटी फूटी सी है, और चलो जी यहाँ का जो खूबसूरत सा व्यू है वो आपको तो दिखाना बनता ही है, आपको दिखाना तो बनता ही है, तो चलिए हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे शमशान घाट के पास और मेरे को नीरजा दीदी की बड़ी हंसी आती है, वो हमेशा बोलती है मधु कुछ भी दिखाया कर पर शमशान घाट ना दिखाया कर, मेरे को बड़ा डर लगता है, पर दीदी यहाँ पे ना जो आसपास का व्यू है आप वो देखना, बहुत ही प्यारा आता है, तो चलो मेन रोड है, ये भी नया, ये मेन रोड है, यहाँ से रात को भी गाड़ियाँ जाती है, बिल्कुल साथ में शमशान घाट है, यहाँ पे ब्लॉगिंग होनी चाहिए ना हॉन्टेड प्लेस की, हॉन्टेड प्लेस होगा यहाँ पे, होंगे भूत वगैरह कुछ, भूत हमने आना रात को कैंपिंग करने तो ये रहा है, कुछ नहीं होता है, पता नहीं है भगवान जाने, होता तो ऐसी बात नहीं, पर हमारे को बिल्कुल भी डर नहीं लगता यहाँ पे, नहीं कैमरा ब्लर हो गया,
आजकल तो यहाँ पे काम चला हुआ है, इसको बहुत अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं और भी ज्यादा अच्छा, ताकि लोग जो घूमने आते हैं देखने आते हैं उनको पैडलिंग चल दी है बोटा छोटी छोटी होते हैं। और ये देखिए हमारे पत्थरों से भरे पहाड़, और नजर ना लगे आजकल मेरे कैमरे को भाई, वाह आजकल बहुत ही ज्यादा इतनी डैश कैम लगा ना वीडियो रिकॉर्डिंग करो सारी रिकॉर्डिंग की स्मूथ। तो ये देखो मतलब इसमें मैंने ग्लास भी डलवाया है, तो मतलब ये फोन इस फोन का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। और बस साउंड का है थोड़ा सा, इसमें साउंड मेरे को कम सुनाई देती है, आप लोगों को तो ठीक देती है ना, मैंने अगर वीडियो वगैरह देखनी हो कॉल वगैरह सुननी हो तो उसके लिए। बाकी ये देखो ये चीजें बहुत पसंद करते हैं बहुत सारे लोग, यहाँ के लोगों को खैर अच्छी नहीं लगती होगी क्योंकि हम रोज देखते हैं ना, दिखती बात है, इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं है कि मैं बुरा मानू की, लेकिन बाहर के लोगों को अच्छा लगता है क्योंकि वो शहरों में रहते हैं, वहां पे कहां पे ये पहाड़ दिखेंगे ना, कहां पे ऐसे टेढ़ी मेढ़ी जलेबी जैसे रोड दिखेंगे। बस अभी हम पहुंच गए दाउटी में और इससे आगे पहुंच जाऊंगी मैं गली के पास, फिर वहीं पे जाके आपसे बात करती हूँ। तो हन्नी ने मुझे यहाँ पे छोड़ दिया है और ये है कराड़ा गली, यहाँ पे मैं उतर गई, मैं ऊपर की तरफ जाऊंगी। ये देखो और यहाँ पे भाई धूप ही नहीं आई अभी, मेरे को तो ठंड लगेगी और तो कुछ ना, पैरों में ठंड लगती है पैरों में कितनी। आओ ये बनाया नहीं जा तू। तो ये देखो हनी छोड़ गया है मेरे को यहाँ पे और अभी यहाँ से लेते हैं बस, ये कराड़ा गली, तो मेरे को बस मिल जाएगी, मेरे को काफी टाइम है, मैं टाइम लिया आ चुकी हूँ, टाइम हो रखा है अभी 9:30, 9:30 बजे मेरे को कोई भी यहाँ से अभी 10 बजे तक भी मिलेगी अगर बस ना, तब भी मैं 11 बजे तक तो शिमला पहुंच ही जाऊंगी, और मुझे 11, 12, 1 बजे मुझे स्टूडियो पहुंचना है। ठीक है तो अभी काफी टाइम है, यहाँ पे कोई भी नहीं है और ठंड बहुत ज्यादा है, क्लचर छूट गया, बाल मेरे गिल्ले ही थे तो फिर मैंने थोड़ा सा इनको ये किया, कहाँ लटके पड़े इसमें ना, वो भी है पीछे कैप भी है जैकेट में ना, तो चलिए निकलते हैं अभी, और बहुत सारे लोग जाने वाले भी मिल जाते हैं कई बार। ये देखो अभी हनी पीछे ही खड़ा है, अभी इसने गाड़ी मोड़ी है।